को इलाज के बहाने कार में ले जाकर मारपीट कर धमकाया और लाखों रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। देवरी कला में पत्नी की मौत के बाद संपत्ति के लालच में तीन लोगों ने मिलकर एक वृद्ध को अगवा करके जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और गले पर पैर रखकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए की मांग की और डराया धमकाया और लाखों रुपए की लूट को वारदात को अंजाम दिया। ये घटना गौरझामर थाना क्षेत्र के ग्राम नया नगर में घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट करने आए फरियादी और उसके परिजन की रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके बाद शुक्रवार को फरियादी बाबूलाल पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत 80 वर्षीय ने पुलिस अधीक्षक सागर के नाम SGOP देवरी पूजा शर्मा को आवेदन दिया, जिसमें उनके साथ हुई लूट की वारदात करने वाले आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। फरियादी बाबूलाल पिता लक्ष्मण सिंह 80 साल के वृद्ध ने बताया कि कैलाश पिता नारायण सिंह राजपूत ग्राम बिलोनी थाना करेली जिला नरसिंहपुर चंद्रभान पिता शंकर सिंह राजपूत नया नगर एवं गुड्डू पंडा और सरवन सिंह राजपूत पिता रतन सिंह राजपूत निवासी घोसीपट्टी इन तीनों ने मिलकर दिन दहाड़े एक कार वृद्ध बाबूलाल को सियरमऊ इलाज कराने के बहाने कार में बिठाकर टंडा के पास झिरिया खेला के जंगल में ले जाकर उनके साथ मारपीट की और उनके गले पर पैर रखकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए मांगे और धमकाया कि पैसे नहीं दोगे तो जान से मारकर जंगल में फेंक देंगे। बार बार धमकाने के बाद वृद्ध बाबूलाल गिड़गिड़ाए और कहा कि तुम्हें सोने चांदी और नकदी रुपए दे देंगे लेकिन मुझे जान से मत मारो। इसके बाद तीनों आरोपी कार से नया नगर आए और वृद्ध पर दबाव बनाकर जमीन विक्रय की 45 लाख रुपए नगद राशि एवं उनकी पत्नी के जेवरात जिसमें करीब 5 किलो चांदी के जेवरात एवं करीब 10 तोले से ज्यादा वजन के सोने के जेवरात एवं जमीन के दस्तावेज मंदिर के दस्तावेज और एक लोहे की पेटी लूट कर ले गए। उन्होंने बताया कि जब झिरिया खेड़ा के जंगल में तीनों लोग ले गए थे उस समय चौकीदार मुवीन एवं राजाराम आदिवासी ने घटना देखकर बीच बिचाव किया और आरोपियों को समझाइश देकर भगाया था। वृद्ध बाबूलाल ने बताया कि उनकी पत्नी की 14 दिसंबर को अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अकेला रहता था और दमा रोग से पीड़ित था, चलने फिरने में असहाय हो गया था, जिससे उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनके रिश्तेदार चंद्रभान कैलाश और गुड्डू पंडा ने मिलकर उनकी सारी संपत्ति लूट ली। जगदीश सिंह, क्या आपके बड़े भाई बाबूलाल जी के साथ मारपीट भाई और लूट की घटना हुई है? कैसे आपको पता चली और क्या घटना हुई? शारदा रजक ड्राइवर ने, गुड्डू पंडा को ड्राइवर, उन्हें हमें बताई घर जाके कि भैया तुम्हारा भैया हम बचा ली, ले आओ ना मर जे हैं, बाहर में ले जाके मारपीट करी है और भी मरण संदेह अवस्था में डरी है, देख आओ। फिर हम और गए दूसरे दिन, सुन मेरी ऐसी हालत में हती, ले आए और फिर दवाई को ले गए। कितनी यानी लूट भाई है जानकारी? हमें जो जानकारी है चांदी सोने को भर बता सकते हैं कि 5-1 किलो चांदी और सोनो हतो 10-12 तूला हाँ जब जला भी गए थे उतार के ले आए, भाभी को सुबह बांध के गांठ भैया हम सौंपे आए थे, बेटी मेरा को आए थी बोलती भैया पैसा धरे थे खेती बेची थी इनने 40-45 लाख बेपैसे सब ले गए, बेपैसा सब ले गए और मारपीट भी करी, मारपीट करी पति के बेबे वहाँ से आए बस ठीक। पूरे कागज ले गए साफ, कुछ नहीं बचा, मंदिर को रिकॉर्ड साफ साफ सब ले गए, कुछ नहीं बचो। इतके नए नगर में लूट की वारदात हुई है, आपके यहाँ आवेदन लेके आए हैं, तो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें आवेदक है बाबूलाल जी, वो आए हैं, उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों में तीन लड़के हैं, उनके द्वारा ये लूटी घटना कार्य की गई थी 27 जनवरी को, उनके संग मारपीट की घटना भी हुई थी टड़ा क्षेत्र के जंगलों में, वो घटना स्थल बता रहे हैं, तो उक्त प्रकरण में तस्दीक करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट। तरुण फ्लावर डेकोरेशन आ गया है अपने शहर देवरी में। हमारे यहाँ कार, बलून, बर्थडे, सुहाग से गुब्बारा, गेट डेकोरेशन एवं बुक करने हेतु संपर्क करें। पता दीक्षा जनरल स्टोर के ऊपर मेन रोड देवरी, मोबाइल नंबर 7580895350, अन्य मोबाइल नंबर 6268351471।